हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र यादव और आज हमारे साथ हैं क्वीन हरीश, जिनको आप कई बार डांस करते हुए देख चुके होंगे लेकिन इस रूप में नहीं। तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं क्वीन हरीश से, जो कि जैसलमेर से हैं। और इन्होंने एक मिथक तोड़ा है कि ये लड़के हैं लेकिन लड़की बनकर डांस करते हैं और उन्होंने बहुत ही पॉपुलरिटी हासिल की इस चीज़ में। वेलकम सर। सबसे पहले तो पत्रिका के सारे दर्शकों को जैसलमेर के क्वीन हरीश की बहुत बहुत खम्मा गणिसा। तो सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है कि हरीश के साथ क्वीन कैसे जुड़ा? क्वीन हरीश, अगर नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक क्वीन का अवतार होगा। और ये चीज़ें आई थिंक इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो एक ड्रैग क्वीन कल्चर जो इंटरनेशनली चलता है, उसी के चलते जब मेरी जर्नी चली थी करीब 6-7 साल आउट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ आउट ऑफ इंडिया हम लोग रह के परफॉर्म करते थे, तो उसी समय ड्रैग क्वीन कल्चर को देखते हुए क्वीन हरीश नाम पड़ा, विच इज़ मेरे लिए वो परफेक्ट न्यू हो रहा है कि मेरा जो अवतार है, जो मेरा वेशभूषा है, वो एक राजस्थानी क्वीन की तरह है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है मेरे वाले अवतार में। और दोस्तों, आपको बता दें कि क्वीन हरीश आज इंटरनेशनल स्तर पर पहचाने जाते हैं, लेकिन ये मुकाम इन्होंने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया है। इन्हों को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा है। इवन इनको कमाने के लिए ये दिन में पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और रात को अपने डांस की प्रैक्टिस किया करते थे। सर, उस बारे में कुछ बताएं अपने स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 12 साल की उम्र में शुरुआत की है, तो उस समय एक हादसा हुआ था मेरे परिवार में। मेरा माता जी का देहांत कैंसर से हो गया था और उसके 6 महीने बाद में, करीब 6 महीने बाद में मेरा पिताजी का भी देहांत हो गया था। सारे कस्टम्स पूरे हुए थे उस समय, तो ऐसा था कि हमारे पास सिर्फ हमारा पुराना घर था, खाने को कुछ भी नहीं था और मेरे अलावा मेरी 2 बहनें थी, तो मुझे अपना भी पेट भरना था, उनका भी पेट भरना था, उनका ध्यान रखना था, क्योंकि माता पिता तो थे ही नहीं। तो उस समय जो भी मुझे रास्ते नज़र आ रहे थे, चाहे पोस्ट ऑफिस में काम करना हो, चाहे किसी के घर झाड़ू पोछा करना हो, मैंने शायद उस समय जो मुझे उपाय नज़र आए वो सारे मैंने उपाय किए। हाँ, डांसिंग प्रोग्राम करना, आई थिंक मैं अगर कहना चाहूँगा कि अगर मैं जैसलमेर में पैदा हुआ हूँ या फिर राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा एक सौभाग्य है कि टूरिज्म की वजह से हमारा करीब 70-80% रोज़गार चलता है। और एक फैशन रहता है कि शाम को आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको 2-3 कलाकार कुछ गाना बजाते हुए मिलेंगे, एक आधा नर्तक या नर्तकी आपको डांस करता मिलेंगे। तो उसको इतना सीरियस नहीं लिया था कि चलो ठीक है, शाम को 2 घंटे जा रहे हैं और आपको 40-50 रुपये मिल रहे हैं और आपका थोड़ा बहुत अंग्रेज टिप भी दे के जा रहे हैं और आपको अपने घर का भरण पोषण के लिए कुछ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।